हेलो फ्रेंड्स, आई एम कंचन चौधरी। आपका हमारे चैनल लर्न बाय वॉच में स्वागत है। दोस्तों, अपनी आज की इस क्लास में मैं आपको कैमरा ऑप्शन के बारे में डिटेल में बताने जा रही हूँ कि कैमरा ऑप्शन का यूज़ किस तरीके से वियॉन्ड में किया जाता है, अलग अलग एंगल से सीन्स को दिखाने के लिए, एंड मूवमेंट के टाइम पे कैमरा ऑप्शन को किस तरीके से दिखाना चाहिए, ये सारी चीज़ें कैमरा ऑप्शन से रिलेटेड मैं आपको डिटेल में आज अपनी इस क्लास में बताने जा रही हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने पहले से ही एक न्यू वीडियो ओपन कर रखा है। तो हम कोई टेम्पलेट यूज़ कर लेते हैं जिसमें मैं कैमरा ऑप्शन का यूज़ करके आपको अलग अलग तरीके से बताऊँगी। तो टेम्पलेट्स के लिए हम आते हैं यहाँ नीचे, एंड यहाँ से हम चूज टेम्पलेट्स में जाके कोई एक टेम्पलेट यूज करते हैं। तो हम यूज कर लेते हैं यहाँ से ऑफिस टेम्पलेट। तो मैं लेती हूँ यहाँ से ये टेम्पलेट। तीन टेम्पलेट यहाँ पर मुझे एक जैसे दिख रहे हैं, कि ये एंड ये। तो मैं इन तीनों को ही ले लेती हूँ और इसमें ही आपको कैमरा ऑप्शन का यूज़ करके बताऊँगी। ठीक है, तो मैं इस टेम्पलेट को सिलेक्ट करती हूँ एंड इसे यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं। दूसरा टेम्पलेट ऐड करते हैं, तो वो मैं ये वाला ऐड कर लेती हूँ, एंड यहाँ से अब तीसरा भी कर लेते हैं, ये फाइनल। ठीक है, ये तीन टेम्पलेट मैंने लिए हैं और अब इनमें मैं आपको कैमरा ऑप्शन का यूज़ करके बताती हूँ कि किस तरीके से एक सीन को हम अलग अलग एंगल से दिखा सकते हैं कैमरा ऑप्शन का यूज़ करके। ठीक है, तो ये एक सीन है, यहाँ पर कोई ऑफिस मीटिंग चल रही है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। एक यहाँ पर ये एम्प्लॉय है, ये कुछ एक्सप्लेन कर रहा है और बाकी लोग इसकी बातें सुन रहे हैं। ठीक है, तो अब इसमें कैमरा ऑप्शन में ऐड कैमरा करती हूँ। तो अभी देखिए, यहाँ पर जो भी कैमरा, ये जो ऑरेंज लाइन से जो ये कैमरा है, सॉरी, ऑरेंज लाइन से जितना भी एरिया इस रेक्टेंगल ने कवर कर रखा है वो हमारे सीन के अंदर आएगा। और आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर नीचे आपको दिखता भी जाएगा कि अभी जैसे ये पूरे सीन में ये ऑरेंज रेक्टेंगल लगा हुआ है, तो अभी आपको नीचे दिख रहा होगा ये पूरा सीन ऑल ओवर हमारा दिख रहा है। ठीक है, अब जैसे कि मैं इसको छोटा करती हूँ, देखिए, तो आपने देखा यहाँ पर चेंजेस आप देख रहे हैं साथ के साथ। तो अब ऑरेंज रेक्टेंगल ने इतना एरिया कवर कर रखा है सीन का, तो इसलिए यहाँ पर देखिए हमारे सीन में इतना एरिया आएगा। ठीक है, अब मैं आपको प्लेस करना बताती हूँ, कैमरा को अलग अलग एंगल से दिखाने के लिए कैसे प्लेस करते हैं। अब जैसे कि एक तो हमारा सीन हो गया, ये एक मतलब एक एंगल हो गया कैमरा का, ये जो जो फुल स्क्रीन में है और फ्रंट लुक से हमको ये एक्सप्लेन करते हुए ये तीनों सुनते हुए दिख रहा है। ठीक है, अब मैं इस सीन को कॉपी करती हूँ एंड मैं पेस्ट करती हूँ शॉर्टकट की का यूज़ करके, Ctrl+V का यूज़ करके। ठीक है, एंड अब हम यहाँ पर ये एक सीन हो गया हमारा। ठीक है, अब दूसरे सीन में हम कैमरा का एंगल चेंज करने के लिए मैं क्या करती हूँ, इसका साइज छोटा करती हूँ एंड इसको हम एक राइट पोजीशन पर प्लेस करते हैं। तो जैसे कि ये एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है, तो हम इस पर फोकस कर देते हैं। तो फोकस करने के लिए मैं इसे छोटा करके यहाँ से इतना रख लेती हूँ। ठीक है, अभी कुछ ठीक नहीं लग रहा है मुझे, तो मैं क्या करती हूँ, इन प्रॉप्स को थोड़ा, सॉरी, ये भी सिलेक्ट हो गया है तो इसको अनसेलेक्ट कर लेते हैं, ये भी, सॉरी एक मिनट, हाँ, तो ये भी सिलेक्ट हो गया है बोर्ड, मैं इसको अनसेलेक्ट करती हूँ। ठीक है, ओके, अब इसको हम थोड़ा इनको साइड कर देते हैं, ये वाले प्रॉप्स भी साइड, सॉरी, ये वाला प्रॉप भी साइड कर देते हैं एंड ये भी। ठीक है, अब इसको मैं क्या करूँगी, मैं इसको थोड़ा यहाँ कर देती हूँ एंड यहाँ से थोड़ा ये। ठीक है, आप इस तरीके से किसी एक
करेक्टर पे फोकस करने के लिए, बाकी की अगर आपको वो करेक्टर उस सीन में नहीं रखने हैं तो आप उनको इस तरीके से साइड भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो फाइनल जो एरिया जो कवर्ड होगा इस रेक्टेंगल से दिखने वाला वही है सीन में। जैसे कि नीचे आप देख रहे हैं मैंने इतना एरिया लिया है इस सीन का, तो इतना ही एरिया यहाँ पर दिख रहा है। तो देखिए एक ये सीन हो गया, एक ये सीन हो गया है। ये सीन जो मैंने ये जो क्रिएट किया है, मतलब कैमरा का एंगल चेंज करने के लिए मैंने ये जो सीन क्रिएट किया है, ये है इसी सीन का पार्ट, बट अभी यहाँ पर थोड़ा अलग तरीके से दिख रहा है, अलग एंगल से दिख रहा है कैमरा, जैसे कि हमने कैमरा को सिर्फ इस करेक्टर पर फोकस किया है। ठीक है, सेम मैं इसको दोबारा से सीन को कॉपी करती हूँ एंड यहाँ से हम इसको पेस्ट करते हैं। ठीक है, अब हम फोकस करेंगे किसी एक लिसनर पर। ठीक है, तो मैं कैमरा ऑप्शन का यूज करती हूँ फिर दोबारा और यहाँ से इसको छोटा करती हूँ एंड हम इस पर फोकस करते हैं, सॉरी इन तीनों पर ही फोकस कर लेते हैं, एक्चुअली तीनों लिसनर पर फोकस कर लेते हैं। तो इसके लिए हम इस बोर्ड को साइड कर लेते हैं, जैसे हमने इस सीन में हमें इस पे फोकस करना था, इस करेक्टर पर, तो इसलिए हमने इनको साइड कर दिया था। अब हमें इन तीनों पे फोकस करना है तो इसलिए हम इसको साइड कर देते हैं। तो मैं इसको थोड़ा इधर साइड में ले लेती हूँ एंड यहाँ से हम, ठीक है, ये थोड़ा इस तरीके से, ठीक है, सेव करते जाते हैं साथ के साथ। तो देखिए इस सीन के दो एंगल मैंने क्रिएट किए हैं, एक ये एंड एक ये, जहां पर स्पीकर पर मैंने फोकस किया है इस इधर इस सीन में और यहां पर मैंने लिसनर्स पर फोकस किया है। ठीक है, तो अभी ये सीन के हमने दो एंग इस सीन को हमने दो एंग तीन एंगल तीन कैमरा को एंगल से दिखाया, एक ये एंड एक ये। अब इस सीन पर आते हैं, मैं थोड़ा आपको प्रीव्यू करके दिखा देती हूँ तीनों। ठीक है, फिर हम इन दोनों टेम्पलेट्स का इन दोनों टेम्पलेट्स में कैमरा ऑप्शन का यूज करेंगे। तो अभी हम प्रीव्यू कर लेते हैं यहाँ से। तो देखिए यहाँ पर एक्सप्लेन हो रहा है एंड यहाँ से ये फोकस हुआ एंड यहाँ से लिसनर्स पर फोकस हुआ। ठीक है, तो देखा आपने इस तरीके से मैंने एक सीन के तीन सीन क्रिएट कर लिए अलग अलग तरीके से करेक्टर्स पर फोकस करके। आप चाहें तो क्रॉस पर भी फोकस कर सकते हैं अगर नीड रहता है तो। ठीक है, तो मैं यहाँ से ठीक है, इधर हम थोड़ा इनके एक्शन में चेंज कर देते हैं, थोड़ा बोरिंग लग रहा है तो इधर मैं कर देती हूँ यहाँ से नोड, एक एक्शन होता है तो मैं वो यूज़ करती हूँ। थोड़ा प्रीव्यू कर लेते हैं, एग्जैक्टली यही चाहिए था मुझे। अप्लाई करती हूँ यहाँ पर एंड सेव कर लेती हूँ। इसको हम दूसरा कोई एक्शन दे देते हैं, थिंक करके दे देते हैं। ओके, क्योंकि ये बैठे हुए थोड़े बोरिंग से लग रहे हैं तो ये एनिमेटेड है, इसको देखते हैं, इसको हम अप्लाई कर लेते हैं एंड ये तो ठीक लग रहा है। ठीक है, एंड इसका भी थोड़ा चेंज कर देते हैं हम यहाँ से, नहीं इसका सेम रहने देते हैं ये एक्शन, इसमें चेंज कर देते हैं थोड़ा। यहाँ से हम इसमें टीच एक ऑप्शन है, हम वो यूज करते हैं। ठीक है, ये सेव कर लेते हैं एंड अब प्रीव्यू करते हैं। थोड़ा मैं थोड़ा कैमरा मुझे थोड़ा इधर फिक्स सही नहीं लग रहा है तो मैं थोड़ा मूवमेंट कर देती हूँ कैमरा में। यहाँ से मैं एट मूवमेंट यूज़ करूँगी एंड यहाँ से मैं इस तरीके से मूव करा लेती हूँ एंड इसमें भी हम ऐसे कर लेते हैं, एट मूवमेंट यूज़ करते हैं एंड यहाँ से हम इतना ऐसे कर लेते हैं।
ऐसा करने ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि देखिए ये बहुत पूरे सीन में मैंने इसको इस मूवमेंट को कराया है, तो बहुत स्लोली स्लोली होगा और थोड़ा एनिमेटेड लगेगा कि कैमरा हमारा जैसे कि मूव हो रहा है, ठीक है? तो इस तरीके से थोड़ा इंगेजिंग लगते हैं सीन, वरना अभी दे आपको दिखाए थे मैंने इसके बिना तो थोड़े बोरिंग लग रहे थे। अब आप देखिएगा इफेक्ट कि कितना चेंज आ गया होगा इन सीन्स में, तो मैं प्रीव्यू कर लेती हूँ एक बार। देखिए अच्छा लग रहा है सीन। अभी जैसे कि देखिए अभी मैंने ये मैं इनको हटा देती हूँ, मैं डिलीट कर देती हूँ उस मूवमेंट को यहाँ से, इसको भी, और अभी देखिए आप कितना बोरिंग लगेगा। सॉरी एक मिनट, एक्चुअली मैंने वो हटाया तो पूरा पूरा कैमरा ही हट गया। मैं अंडू कर लेती हूँ यहाँ से, एंड यहाँ से सिंपली हम, आपको फर्क तो दिख ही रहा होगा वैसे, पर मैं फिर भी आपको एक बार डिफरेंस दिखा देती हूँ कि ये जो मैंने कैमरा का इस तरीके से मूवमेंट कराया है इसमें, और सिंपल ही मैंने कहीं प्लेस कर दिया, फिक्स कर दिया कैमरा को, उसमें कितना चेंज है, ठीक है? मैं एक बार आपको इसलिए डिफरेंस दिखाने के लिए एक बार हटाती हूँ इस मूवमेंट को, तो मैं यहाँ से रिमूव करती हूँ, एंड यहाँ से मैं इसे रिमूव करती हूँ, ठीक है? एंड अब करते हैं प्रीव्यू। तो देखिए कितना सिंपल लग रहा है। आप चाहे तो ऐसे भी रख सकते, अगर आपको ठीक लगता है तो आप ऐसे भी रख सकते हैं, बट मुझे वो ज़्यादा बेटर लग रहा था, तो मैं अंडू कर लेती हूँ, ठीक है? अभी ये हो गया। अब हम आते हैं अपने इस टेम्पलेट पर, इस सीन पर मतलब। अब यहाँ पर क्या हो, इधर ये स्पीकर एक्सप्लेन कर रहा था, ये लिसनर सुन रहे थे। अब यहाँ पर कुछ डिस्कशन चल रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो भी एक्सप्लेन किया होगा इसने, वो यहाँ पर अब डिस्कशन चल रहा है इन चारों के बीच में। तो अब हम इधर अलग अलग एंगल से सीन को दिखाने की कोशिश करती हूँ मैं आपको, ठीक है? तो मैं यहाँ से पहले यही सीन रहने देती हूँ, मैं इसको ब्रिंग फ्रंट कर देती हूँ, एंड इनके बीच बातचीत हो रही है, ये नोड मैं कर देती हूँ यहाँ से। ठीक है, एंड यहां से हम इसका भी एक्शन चेंज करके थिंक कर देते हैं। ये वाला अप्लाई करती हूँ, एंड इसका एक्शन क्या रखें, सिट में देख लेते हैं, सिट करके क्या क्या एक्शंस हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हैं सिट क्रॉस करके कोई एक्शन हो, एनिमेटेड चाहिए मुझे, क्रॉस तो है पर मुझे एनिमेटेड चाहिए ताकि मूव करता हुआ दिखे करेक्टर। क्रॉस हटाती हूँ, सिट रखती हूँ, सिट यहाँ से, सिट में बहुत सारे एक्शंस दिए गए हैं वैसे। ये टॉकिंग है, हम क्रॉस रख लेते हैं सिंपल, क्योंकि कोई एनिमेटेड है नहीं तो इस तरीके से रख लेते हैं। एंड यहाँ से हम टॉक का, सिट टॉक का कोई और एक्शन देखते हैं इस करेक्टर के लिए। तो ये कुछ है, हम यही ठीक लग रहा है, ठीक है? तो अब क्या करते हैं, अब एक तो सीन हो गया यही, ठीक है? एंड अब इसको कॉपी कर लेते हैं, एंड मैं इसको Ctrl+V से पेस्ट करती हूँ सीन को, एंड यहाँ पर अब हम कैमरा ऐड करते हैं। देखिए मैंने यहाँ कैमरा इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि अगर हम कैमरा ऐड नहीं करते हैं तो ये फुल स्क्रीन पर अपना ऑटोमेटिकली इसको
दिखाएगा, जैसे कि नीचे आप देख ही सकते हैं फुल स्क्रीन में दिखेगा। तो अब यहाँ पर हमने कैमरा ऐड किया है, हम यहाँ थोड़े चेंजेस कर लेते हैं। तो मैं यहाँ फोकस करती हूँ इस पर, फिर से इसी कैरेक्टर पर, एंड इसको थोड़ा हटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि वो उसके बीच में आ रहा है, ठीक है। और मैं इसमें मूवमेंट ऐड ज़रूर करूँगी, ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ा, मुझे ऐसे ही थोड़ा इंगेजिंग लगता है वीडियो, ठीक है। ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा जूम आउट करते हुए, ताकि कुछ जैसे आप मूवीज़ देखते होंगे, सीरियल्स देखते होंगे, सॉरी, तो सीरियल्स में होता है ना, जैसे किसी करेक्टर पर फोकस करते हैं कैमरा को, तो कैमरा में आप देखिए बहुत स्लो मूवमेंट हो रहा होता है, बहुत स्लो, या तो वो स्लाइड लेफ्ट हो रहा होता है, स्लाइड राइट हो रहा होता है, या फिर अप, या फिर डाउन, या फिर जूम इन जूम आउट हो रहा होता है, बहुत स्लो हो रहा होता है। इससे थोड़ा सीन दिखने में भी अच्छा लगता है, एंड आपको पता भी नहीं चलता है कि वहाँ पर कैमरा में कोई मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए मैं इस टाइप का जूम कैमरा मूवमेंट यूज़ करती हूँ फोकस करने के लिए किसी भी करेक्टर या प्रॉप पर, ठीक है। तो एक ये हो गया मेरा ये सीन, एंड यहाँ से ये थोड़ा इसमें हम एक्सप्रेशन चेंज कर देते हैं, क्योंकि मुझे लगता है ये टॉक वाला, टॉक नो लिप सिंक्रोनाइजेशन, क्योंकि अभी इसमें कोई वॉइस ओवर नहीं है, तो इसलिए बोलेगा नहीं, सिर्फ हाथ हिलते हुए दिखेंगे, तो इसलिए मुझे बोलता हुआ भी दिखाना है, तो मैं इसको अप्लाई कर देती हूँ, एंड ठीक है। अब फिर से इसको कॉपी करते हैं, एंड यहाँ से इसको फिर से पेस्ट करते हैं, एंड अब एंगल चेंज करते हैं कैमरा का, तो फिर से यहाँ से कैमरा ऐड करते हैं, और यहाँ आते हैं हम, तो मैं इन दोनों पे करती हूँ फोकस, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर इसको सुनते हुए दिखाते हैं, फिर सिंपल सिट करते हैं, एंड यहां से इसको हम बोलते हुए दिखाएंगे, टॉक, ये थोड़ा फनी टाइप लग रहा है, ये नहीं, इसे अप्लाई करते हैं, और इसमें भी हम यहां पर टॉक टू टॉक नो लिप सिंक्रोनाइजेशन वाला एक्शन, सॉरी, फेस एक्सप्रेशन रख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें से हटा देते हैं, न्यूट्रल रखते हैं, न्यूट्रल का मतलब होता है कोई एक्सप्रेशन नहीं, नॉर्मल जो करेक्टर होगा उसका, ना हैप्पी, ना सरप्राइज, सैड, वेड, कोई एक्सप्रेशन नहीं होगा, सिंपल न्यूट्रल होगा, ठीक है। अभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस पर फोकस करती हूँ, दोनों साथ में अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो इसको थोड़ा, सॉरी, इस करेक्टर को थोड़ा हटा लेते हैं इसमें से। हमेशा याद रखिए कि थोड़ा ना करेक्टर्स या करेक्टर्स को, मोस्टली प्रॉप्स का नहीं, करेक्टर्स को आप इस तरीके से एंगल में रखिए, जैसे कि मैंने, मैं चाहूँ तो इसे मिडिल में रख सकती हूँ कैमरा, मतलब इस करेक्टर को सीन में मिडिल में रख सकती हूँ, आप यहाँ देख रहे हैं, देखिए, बट मैं थोड़ा साइड में ऐसे करके रखूंगी तो लुक थोड़ा अच्छा आएगा, अलग आएगा, ठीक है। ऐसे साइड में रखने से लुक अलग आ रहा है, और थोड़ा हमारा सीन अच्छा लग रहा है देखने में। अभी बीच में रखने से क्या है, देखिए, क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है, ठीक है। तो हम इसको साइड में रखते हैं, एंड वही मूवमेंट कराते हैं कैमरा में, तो हम यहाँ से इसको इतना ऐसे करके मूव करा लेंगे, ठीक है। एंड ये हमारा एक्शन तो हमने दे ही रखा है, एंड बाद में हम थोड़ा दोबारा, अब ये दो सीन, इस सीन के हमने ये दो सीन और क्रिएट कर लिए इस सीन में से, मतलब कैमरा एंगल चेंज करके, मतलब इसी सीन को अलग एंगल से दिखा के कैमरा के हमने चेंज कर लिए। अब हम इसको दोबारा एक और मैं इसमें से क्रिएट करने की कोशिश करती हूँ, कॉपी करती हूँ, एंड यहाँ से मैं पेस्ट करती हूँ, एंड यहाँ से अब हम इन दोनों को बात करते हुए दिखाएंगे। तो मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ से इसका एक्शन चेंज करके सिट करती हूँ, एंड यहाँ से इसको टॉप करती हूँ,
क्योंकि मीटिंग हो रही है तो चारों ही तो बात करेंगे, मतलब सब कंपलसरी नहीं है बट मैं चारों को बात करते हुए दिखाती हूँ। तो ये हो गया ये जो, और इसका भी हम एक्सप्रेशन चेंज कर देते हैं, टॉप नो लिप सिंक्रोनाइजेशन, एंड यहाँ से हम कैमरा ऐड करते हैं एंड यहाँ से हम फोकस करते हैं इस पर। तो इसको क्या करते हैं, इसका थोड़ा चेंज राइट करते हैं इसको, यहाँ से सॉरी इसको इसको टॉप करते हुए नहीं दिखाएंगे हम, इसको दिखाएंगे, इसको नॉर्मल सेट कर देते हैं क्योंकि फिर इसका फेस इधर आ रहा है तो ये इधर देख रहा है, इधर इधर थोड़ा दिखना, ये एक्शन यहाँ मतलब इस करेक्टर का यहाँ देखना थोड़ा मुश्किल है इधर बियॉन्ड में, तो इधर देख रहा है तो हम इसको टॉक इसको बहुत बात करते हुए दिखा देते हैं और इसको नॉर्मल सिट करके दिखा देते हैं हम। इन छोटी छोटी चीज़ों का बहुत आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ऐसा होता है, मैं चाहती तो मैं इसको टॉक कर इसको मतलब टॉक कर मतलब इसको बात करते हुए दिखा सकती थी और इसको यहाँ देखते हुए दिखा, तो थोड़ा हमारा मतलब देखने में सीन अच्छा नहीं लगता कि ये कहीं और ये करेक्टर कहीं और दिख रहा है और बात यहाँ, इस पर फोकस होना चाहिए ना, जब बात ये बात कर रहा है ये करेक्टर तो इन तीनों का फोकस इस पर होना चाहिए बट ये इसकी तरफ देख रहा है। तो ये बहुत से एनिमेटर्स होते हैं इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं बट मैं ध्यान रखती हूँ इन सब चीज़ों का कि हमारा सीन जो है देखने में अच्छा लगना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम बस बना रहे हैं और ऐसा मेरे को नहीं सही लगता। ठीक है, तो मैं इसको इसको टॉक करते दिखाया तो मैं इधर इसको थोड़ा यहाँ हम इसका एंगल ये रख लेते हैं कुछ, ठीक है, एंड थोड़ा इधर शिफ्ट करती हूँ क्योंकि मैं मूवमेंट करना चाहती हूँ कैमरा में, तो इतना रखूँगी इस तरीके से, ठीक है, ताकि फोकस इस जब इधर स्लाइड करूँगी तो ऑब्वियसली फोकस इस करेक्टर पर जाएगा। ठीक है, तो इसका भी फेस इधर टर्न कर देते हैं फ्रंट, सॉरी राइट, एंड अब इसको डाउन कैसे करेंगे, लुक डाउन का एक यहाँ पर एक्सप्रेशन है बट इसकी आईज आप देखिए, इसकी आईज अगर इस टाइप की होती तो लुक डाउन डाउन करते तो ये नीचे देखता, अंडू करती हूँ, बट इसकी आईज ऑलरेडी सिर्फ दो बिंदियां हैं यहाँ पर तो लुक डाउन करूँगी तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, देखिए हैप्पी करूँगी तो माउथ में वो आया चेंजेस पर लुक डाउन में कोई चेंज नहीं आया। तो हम क्या करते हैं, हम एक काम कर लेते हैं, हम इसको न्यूट्रल ही रखते हैं एंड इसको हम फेस लेफ्ट करते हैं एंड ऐसा कर लेते हैं कि इस इस सीट को थोड़ा घुमा देते हैं, मिरर कर देती हूँ तो अभी भी नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं हम इसको ऐसे ही रखते हैं छोड़ते हैं, ठीक है, फ्रंट कर लेती हूँ, ऐसा कर लेते हैं इसको थोड़ा इधर रख देते हैं, नहीं तो मैं एक काम करती हूँ मैं सीधा फोकस इस पर कर देती हूँ, ठीक है, बाद में फिर फुल स्क्रीन में दिखा देंगे, क्योंकि इसका सही कर रहे हैं, इसको उसकी तरफ देखते हुए दिखा रहे हैं तो इसका बिगड़ रहा है, इसको दिखा रहे हैं तो इसका बिगड़ रहा है, तो इसलिए मैं एक काम करती हूँ मैं इसको दोनों को ही इधर दिखा देती हूँ, सॉरी इसको हटाती हूँ एंड इसको यहाँ से इधर कर, ठीक है, इसको हटा देते हैं सीन में से इस करेक्टर को क्योंकि वो दिख रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, ये हो गया इधर फोकस, थोड़ा इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है, सेव करते हैं, अभी तीन हो गए, अभी एक और हम करते हैं, तो हम कॉपी करते हैं फिर से सीन का और यहाँ पर हम करते हैं पेस्ट, और अब देखिए
हाँ, मुझे क्या करना है, मुझे अब इनको ऑल ओवर, ये बात कर रही थी, इसको बात करते हुए दिखाते हैं, मतलब वहीं से, यहाँ जो छोड़ा है ना वहीं से कंटिन्यू करते हैं। इस तरीके से एक स्टोरी क्रिएट की जाती है, जैसे कि आप समझ रहे हैं ना मैं ये सब क्यों आपको करके दिखा रही हूँ। इसी तरीके से आप किसी भी, जैसे कि कोई भी आपको ऐसा कोई प्ले या एक्ट या मूवी या स्टोरी क्रिएट करनी होती है, तो इसी तरीके से आपको पिछले सीन से रिलेट करता हुआ ही अगला सीन दिखाते हैं, अगर आप एक ही सीन में एक ही सीन को अलग अलग एंगल से दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक्शन था हम टॉक का। ठीक है, और हमने इधर इसमें टॉक टू नो लिप सिंक्रोनाइजेशन लगाया है, पता नहीं इसमें भी चेक कर लेते हैं, नहीं लगाया है, लगा लेते हैं, इसमें से हटा दिया था। ठीक है, एंड यहाँ पर ये हो गया। तो अब इन दोनों को आपस में बात करते हुए दिखाएंगे। इसको अब हम इधर राइट में दिखा सकते हैं। ठीक है, एंड ये भी बात कर रहा है यहाँ से, एंड ये भी बात कर रही है, दोनों आपस में बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ये कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रही होगी इधर। ठीक है, तो अब ये हो गया। अब इसका कैमरा एंगल थोड़ा हम इधर कर देते हैं। ठीक है, और इसको कर देते हैं हम जूम आउट करते हुए दिखाते हैं, ऐसे करते हुए दिखा देते हैं। ठीक है, ओके हो गया। अब इसमें से एक सीन में से हमने यहाँ चार सीन क्रिएट कर लिए हैं, अलग अलग कैमरा एंगल चेंज करके, कैमरा ऑप्शन का यूज करके। ठीक है, अब यहाँ पर हम इस सीन में आते हैं। अब इस सीन में मैं क्या करती हूँ, इसको भी सेम रहने देते हैं, हम कैमरा ऐड करते हैं, एंड यहाँ से अब यहाँ पर क्या हो गया, फाइनल हो गया कॉन्ट्रैक्ट, जो भी मीटिंग जिस भी पर्पस से ही मीटिंग रखी गई होगी वहाँ पे ये फाइनल हो गया होगा, कॉन्ट्रैक्ट मिल गया होगा, ऐसा कुछ हुआ होगा। ठीक है, इसलिए हैंडशेक कर रहे हैं। तो हम यहाँ से हैंडशेक से फोकस करते हुए पूरा जूम आउट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ यूज किया। हम थोड़ा यहाँ डिले रख लेते हैं थोड़ा, आप यहाँ चाहे तो यहाँ से रख सकते हैं, चाहे तो यहाँ कैमरा सेटिंग्स में जाके भी डिले आप 0.2 जितना भी सेकंड्स का रखना चाहते हैं वो यहाँ रख सकते हैं, और ड्यूरेशन कैमरा मूवमेंट का वो यहाँ से भी सेट कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको पहले बता ही चुकी हूँ, या यहाँ से भी कर सकते हैं। चेंजेस आप ऊपर देखेंगे, देखिए मैंने कम किया तो कम हो गया, ज़्यादा करूँगी तो यहाँ से ज़्यादा टाइम हो, ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। आप यहाँ से फिक्स रखना चाहें तो, जैसे कि 2.2 रखना चाहते हैं तो इधर 2 रख लीजिए, फिक्स कर दीजिए। ठीक है, इतना हुआ। एंड नहीं, मैं क्या करती हूँ, ऐसा करती हूँ, पहले इन दोनों पे फोकस कर देती हूँ, इन दोनों के फेस पे। ठीक है, एंड फिर इसको, इसी सीन को यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, कंटिन्यू कर लेते हैं, कंटिन्यू लास्ट सीन का ऑप्शन का यूज करके। ये हुआ, अब यहाँ से हम पूरा स्क्रीन आउट करेंगे, मतलब जूम आउट करेंगे इस तरीके से, सब पे फोकस। ठीक है, इतना रख लेते हैं, बहुत है, इतना एरिया कवर कर लेते हैं, मतलब ये जूम आउट होते होते, सॉरी, हाँ ये जूम आउट होते होते यहाँ तक आएगा। ठीक है, सेव कर लेते हैं, एंड यहाँ से डिले नहीं रखते क्योंकि ये डिले यहाँ पर हो गया है, देखिए, तो इतना, एंड यहाँ से इतना। ठीक है, अब थोड़ा हम इस पूरे स्टोरी को स्टार्टिंग से प्रीव्यू करते हैं। तो देखिए, मैंने सिर्फ टेम्पलेट, वो सॉरी, मैंने वियॉन्टेड टेम्पलेट्स में से 3 सीन्स उठाए थे सिर्फ, मतलब 3 टेम्पलेट्स उठाए थे, पर उसमें से मैंने एक स्टोरी टाइप क्रिएट कर लिया पूरा, अलग अलग एंगल से कैमरा ऑप्शन का यूज करके, सीन्स को अलग अलग एंगल से दिखाने के लिए मैंने कैमरा ऑप्शन का यूज किया, और इस तरीके से हमारी एक स्टोरी क्रिएट हो गई। ठीक है, मैं प्रीव्यू करके दिखा देती हूँ आपको एक बार।
तो देखा आपने कितना हर सीन अलग अलग एंगल्स। बस मुझे ये सीन थोड़ा मैं सेटिस्फाइड नहीं हुई क्योंकि यहाँ नोड अच्छा नहीं लग रहा था। मैं सिंपल यहाँ पर सिट का एक्शन रखना चाहिए था मुझे, या फिर क्रॉस का, नहीं सिंपल सिट का रख लेते हैं। बाकी ऑल ओवर मुझे सारा सीन परफेक्ट लगा, एकदम जैसा मैं दिखाना चाहती थी आपको कि किस तरीके से एक सीन को हम अलग अलग कैमरा ऑप्शन का यूज़ करके अलग अलग एंगल से दिखा सकते हैं। ठीक है सिट, ठीक है। बाकी ऑल ओवर मुझे सारे सीन्स परफेक्ट लगे एकदम। तो इस तरीके से आप कैमरा ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। मैं थोड़ा और डिटेल में आपको बताना चाहूँगी कैमरा ऑप्शन के बारे में। एक्चुअली देखिए, जैसे कि अभी तो मैंने जैसे कि इसको डायरेक्टली कॉपी कर लिया था यहाँ पर, ठीक है, कंटिन्यू लास्ट सीन का यूज़ करके, जहाँ पर लास्ट जो इससे क्या हुआ है, इस ऑप्शन का यूज़ करके जहाँ पर भी लास्ट एनिमेशन यहाँ इस सीन में रुका होगा, जैसे कि यहाँ इस सीन में क्या था, यहाँ से हमारा कैमरा मूव कर रहा था यहाँ पर इतने एरिया में, ठीक है, तो ये लास्ट यहाँ पर जो भी लास्ट मोमेंट यहाँ तक हुआ, तो यहाँ से छोड़कर कंटिन्यू हो गया फिर वहीं से इतना एरिए से, मतलब हमारा इतना एरिया पर दूसरा सीन बनकर आ गया अगर हमने इस ऑप्शन का यूज़ किया। अब क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम जैसे बीच में हमने क्या किया, हमने इतने सारे सीन्स और बहुत सारे सीन्स बीच में ऐड कर लिए, ठीक है, ऐड कर लिए। अब क्या हुआ, अब अगर हम जो भी इस अब हम इस ऑप्शन का यूज़ नहीं कर सकते, और हमें अब अपना जो आगे इस सीन का यूज़ करना है पर इतने इस एरिया को लेना है कैमरा में, मतलब ये फिक्स लेना है हमें, ये फिक्स लेना है इतना ही एरिया इस सीन का हमें लेना है अगले किसी सीन में, पर बीच में बहुत सारे सीन्स हैं, ठीक है। जैसे कि मैं बीच में डाल देती हूँ, एक सीन डाल देती हूँ मैं बीच में, तो मैं इसी को कॉपी करती हूँ एंड यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं, और मैं यहाँ से कैमरा ऑप्शन हटा देती हूँ, ठीक है, पूरा ही हटा देती हूँ, ठीक है, तो फुल में दिखा दिया। अब क्या, अब ये सीन बीच में आ गया, अब ये सीन समझिए था ही नहीं, तो अब ये सीन बीच में जो आ गया, अब इसको मैं कंटिन्यू लास्ट सीन करूँगी तो ये वाला सीन ही होगा। बट मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि ये जो था इतना जो एरिया था कैमरा का जो कवर किया था यहाँ लास्ट में, वही मुझे सीन में चाहिए। बट अब मैं क्या करूँगी, बट इस ऑप्शन का यूज़ करके भी नहीं हो रहा है क्योंकि बीच में ये सीन आ गया, ठीक है। अब या तो मैं इसे इधर करूँ फिर करूँ, ठीक है, बट एक ऑप्शन और होता है कि आप क्या करेंगे, आप यहाँ से इस सीन में पहले आप कैमरा ऐड कर लीजिए, ठीक है। अब क्या करिए, आप यहाँ से देखिए इस सीन की कैमरा सेटिंग्स में जाइए, जैसे कि मैंने सॉरी इसे मैं बंद कर देती हूँ, इसको मैंने सिलेक्ट किया इस सीन को, अब इसकी कैमरा इस सीन की कैमरा प्रॉपर्टीज़ में मैं जाती हूँ, तो ये जो पोजीशन है, ठीक है, ये पोजीशन जो है इस कैमरा की एक्स एक्सेस वाई एक्सेस और विड्थ और हाइट है, साइज है, मतलब जो इस कैमरा का ये जो पोर्शन है ये स्टार्टिंग है, मतलब इतना जो ये एरिया है ये इसकी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, और ये जो मूवमेंट हुआ उसके इतना डिले के बाद, इतना ड्यूरेशन के बाद जो मूवमेंट हुआ, ये जो वैल्यूज़ हैं वो इस एरिया की हैं, इस जो मूव होने के बाद जो एरिया है, ठीक है। तो अब मैं जब मुझे ऐसा करना होता है, तो जब मुझे फिक्स रखनी होती है कैमरा की पोजीशन को, तो मैं इनकी वैल्यूज़ को कॉपी करके पेस्ट करती हूँ, अगर मुझे फिक्स रखनी होती है, एग्जैक्ट फिक्स रखनी होती है, ठीक है, क्योंकि वैसे अगर मैं कितना भी इसमें, जैसे कि मैं इतना एरिया कवर करना चाहती हूँ, ठीक है, अब मैं वैसे इसमें कितना भी जैसे ऐड कर लूँ, ठीक है, सॉरी, मैं इसको कितना भी अकॉर्डिंगली रखने की कोशिश करूँ, बट सेम नहीं आएगा, जो इसका जो सेम वैल्यू, सेम जो फिक्स जो पोजीशन है इस सीन में, वो इधर नहीं आएगी, मैं चाहे कितना भी ट्राई कर लूँ। मैं आपको एक बार दिखा भी देती हूँ, जैसे कि मैं इसको यहाँ साइड में ले लेती हूँ, कंटिन्यू लास्ट सीन करती हूँ, और इसको फिर से दोबारा मैं यहाँ रख देती हूँ, ठीक है। अब ये जो मैंने सेट किया, ठीक है, चेंजेस आप देख रहे हैं अभी, इसमें देखिए और इसमें देखिए, आपको दिख रहा है,
ये मूव हो के अभी ये जो मैंने जो अपने हाथों से सेट करने की कोशिश की इसको देखने देख कर कि इसमें इतना एरिया कवर हो रहा है, तो चलो मैं ट्राई करती हूँ अपने हाथ से इसको रिसाइज करके इतना, बट एग्जैक्ट पोजीशन नहीं आई। देखिए चेंजेस, मैं इस पे जाऊंगी सीन पर तो चेंजेस आप ना देखिए, कैमरा यहाँ शिफ्ट हो रहा है, तो इसीलिए ये प्रॉब्लम ना आए तो मैं इसीलिए इसे मैं से डिलीट कर देती हूँ। डिलीट नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। सॉरी, थोड़ा हैंग हो रहा है व्यू। डिलीट हो गया, तो उसे मैंने डिलीट कर दिया। अब ये प्रॉब्लम ना आए तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ से इस कैमरा इसकी सेटिंग्स में जाके यहाँ से पहले मैं एक्स एक्सिस कॉपी करूँगी, कॉपी किया एंड यहाँ पर मैंने इधर एक्स एक्सिस पे ही, ये याद रखिए जो वैल्यू जहाँ की है वो वैल्यू आपको वहीं कॉपी करनी है। मैंने एक्स एक्सिस की वैल्यू कॉपी की है तो मैं यहाँ पर एक्स एक्सिस पे ही उसे पेस्ट करूँगी, ठीक है, एंटर कर दीजिए। तो देखिए शिफ्ट हो गया एंड बाकी वैल्यूज़ और चेक कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर वाई एक्सिस भी चेक करते हैं, कॉपी करते हैं एंड यहाँ पर वाई एक्सिस मैं पेस्ट करती हूँ, एंटर करती हूँ। तो चेंजेस आप यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए मैंने यहाँ से जैसे ही एंटर प्रेस किया है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है, वाई एक्सिस चेंज हो गई है। सेम यहाँ से विड्थ और हाइट भी कॉपी कर लेते हैं, आप एक बार में एक ही कॉपी कर सकते हैं वैल्यू, ठीक है, ये बात। या फिर आप नोट डाउन कर लीजिए कहीं, फिर वहां पर टाइप कर लीजिए या आप ऐसे कॉपी कर लीजिए, थोड़ा लेंदी हो जाता है कभी कभी मानती हूँ, बट इसका यूज थोड़ा रेयर पड़ता है जब आपको फिक्स रखना होता है। देखिए विड्थ भी एंड यहाँ से हाइट भी कॉपी कर लेती हूँ, सॉरी अंडू करती हूँ, एक मिनट, मैंने एंटर प्रेस, सॉरी अंडू कर लेते हैं, वो एक्चुअली मैंने यहाँ गलती से पेस्ट कर दिया, यहाँ कॉपी करना था एंड यहाँ से यहाँ पर हाइट सेम ही है वैसे पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो वैसे आपको ऐसा करने का बहुत रेयर ही यूज पड़ेगा कि आपको ऐसे फिक्स रखना होगा कभी कैमरा की वैल्यू को। मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है, इसीलिए मैंने आपको ये बताना ज़रूरी समझा, क्योंकि पहले मैं भी बहुत परेशान होने लगती थी कि कैसे मैं फिक्स एरिया को कैसे दिखाऊं दूसरे सीन में। तो इसीलिए अभी कभी कभी होता है, इसे अभी मैं चाहती तो यहाँ से इसको इधर शिफ्ट करके कर लेती ऐसे करके एंड इसे यूज कर लेती, फिर इसे दोबारा यहाँ शिफ्ट कर लेती, ठीक है। बट कभी कभी क्या होता है, हमारी स्टोरी जो बोर्ड है वो बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, तो इसको फिर शिफ्ट करके लास्ट तक ले जाना, फिर वहाँ से शिफ्ट करके दोबारा इधर लाना, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। इसीलिए मैंने आपको इस ऑप्शन का ये तरीका बताया है, कभी भी आपको फिक्स कैमरा वैल्यू रखनी हो तो आप इस तरीके से वैल्यूज़ को कॉपी पेस्ट करके रख सकते हैं, ठीक है। अभी हम इसको डिलीट कर देते हैं एंड और ये बार बार पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, एंड यहाँ से फिर इसको जूम आउट कर लेते हैं इतने पे जैसे पहले हमने रखा था एंड अब मैं आपको यहाँ से प्रीव्यू कर लेते हैं फिर से। देखा एकदम परफेक्ट स्टोरी क्रिएट हो गई। तो इस तरीके से दोस्तों आप कैमरा ऑप्शन का यूज कर सकते हैं वियॉन्ड में एक सीन को अलग अलग एंगल से दिखाने के लिए, जैसे कि आप किसी भी मूवी में देखते हैं, किसी भी सीरियल्स में देखते हैं, एक ही एक सीन को किस तरीके से अलग अलग एंगल से कैमरा पोजीशन को चेंज करके अलग अलग एंगल से सीन्स को दिखाया जाता है। वहाँ पर तो क्या होता है अलग अलग जगह कैमरा भी कैमरा प्लेस किए जाते हैं, बट यहाँ तो हमारे लिए बहुत इजी है, हमें सिर्फ इस तरीके से जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ से मैंने सीन्स में जैसे ये सीन में से मैंने इसी पे फोकस करना था तो मैंने इन्हें हटा दिया और मैंने इधर फोकस कर लिया, जैसे कि सेम में मुझे इस सीन में इस पे फोकस करना था तो मैंने बाकियों को हटा दिया, मैंने सेम इस पे फोकस किया। तो इस तरीके से आप एक सीन को अलग अलग तरीके से अलग अलग एंगल से दिखाने के लिए कैमरा ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, कैमरा वैल्यूज को इधर फिक्स रखने के लिए कैमरा
वैल्यूज़ को यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, एक्स वाई एक्सिस को कॉपी पेस्ट करके, एक्स वाई एक्सिस की वैल्यूज़ को कॉपी पेस्ट करके, विड्थ और हाइट की वैल्यूज़ को कॉपी पेस्ट करके, ठीक है। और इस तरीके से मूवमेंट कर ऐसे छोटे छोटे, ये जो मैंने जैसे कि आपको ये बताया था, छोटे छोटे ये मूवमेंट्स जो मैंने दिखाए थे कि स्क्रीन में मूवमेंट भी हो रहा होगा, और आप चाहते हो इसको बढ़ा भी सकते थे। देखिए अभी फास्ट दिख रहा है, ये स्लो भी दिख सकता था, मैंने उसको टाइमिंग को बढ़ा दिया, तो देखिए बहुत स्लो में दिखेगा ये। देखिए अभी कितना स्लो में दिख रहा है। आप चाहे तो इस तरीके से कर सकते थे, आप टाइम यहाँ से, मैंने अभी उसको खींच के बढ़ा दिया था, बट आप चाहें तो यहाँ से जैसे कि इसको 4 सेकंड रख लीजिए, ठीक है। अलर्ट आ रहा है, आने दीजिए, बट हमें इस तरीके से व्यू कराना। अभी थोड़ा फास्ट हो रहा था, अभी स्लो होने लगेगा। तो इस तरीके से आप दिखा सकते थे। तो दोस्तों मुझे लगता है कि मैंने कैमरा ऑप्शन के बारे में ऑल ओवर आपको बता दिया है कि किस तरीके से कैमरा ऑप्शन का यूज़ करके आप एक सीन को अलग अलग एंगल से दिखा सकते हैं, फोकस कर सकते हैं करेक्टर्स पर, प्रॉप्स पर, और एक स्टोरी अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं, एक्सप्लेनर्स को अच्छे से फोकस करके दिखा सकते हैं, लिसनर्स को अच्छे से फोकस करके दिखा सकते हैं। कोई कंटेंट जो है, जैसे इस बोर्ड का कोई कंटेंट अगर आप दिखाना चाहते थे, तो वो भी आप फोकस करके इस तरीके से दिखा सकते थे। तो इस तरीके से कैमरा ऑप्शन का यूज़ कर सकते थे। तो दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही, अब मिलूंगी आपसे अपनी अगली किसी क्लास में। सॉरी। तो दोस्तों आज की अपनी इस क्लास में इतना ही, अब मिलूंगी आपसे अपनी अगली क्लास में, जहां पर मैं आपको बताऊंगी कि ये जो टाइमलाइन होती है इसे आप मैनेज कैसे करते हैं अकॉर्डिंगली, क्योंकि अभी कभी कभी ये छोटी होती है टाइमलाइन, कभी कभी बड़ी होती है, तो कैसे टाइम इधर से सेट करेंगे, कैसे सीन्स को इधर से उधर रखना, कॉपी पेस्ट करना, थोड़ा डिटेल, थोड़ा इलेबोरेट करके आगे मैं अपनी क्लास में टाइमलाइन के बारे में डिटेल में आपको बताऊंगी अपनी अगली क्लास में। आज की इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।